एवरीवन वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। तो हम DSSSB के क्वेश्चन कर रहे हैं 2018 का। तो ये हमने 100 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। साइकिलिंग इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट इज़ एन डैश एक्सरसाइज। तो जो साइकिलिंग है हम लगातार कॉन्टिन्यूस करते हैं, जो चीज़ कॉन्टिन्यूस की जाती है वो एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है। तो एंड्योरेंस को एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो इम्प्रूव करती हैं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, जो हम ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ हम जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो होती है एरोबिक्स। और एनारोबिक्स मतलब एनारोबिक एन नहीं होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, वो होती है जो हम ऑक्सीजन के बिना करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल फैक्टर्स फिजिकल फिटनेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस मतलब को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एज भी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, छोटे हो बच्चे हो तो उनकी अलग होती है जो मतलब एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं। तो जब डाइट हो, डाइट का भी अगर कोई बच्चा कम खा रहा है तो उसको कम एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा तो उसको खाना भी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, तो ये भी फिजिकल फिटनेस पे मतलब इन्फ्लुएंस करती है। तो क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं करता ही है कि मौसम कैसा है, सर्दियों में हम मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्मियों में कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, अगर आपको क्लाइमेट नहीं लग रहा तो एज तो है ही है, डाइट भी है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए और सी अलग अलग तो आएगा नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव आ सकता है। और एक और बात, जिसमें ऑल ऑफ द अबव आया अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें डी लगा सकते हो, मैक्सिमम चांस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदमिक एक्सरसाइजेज आर फॉर्मुलेटेड थ्रू। जो रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं वो मतलब किससे फॉर्मुलेटेड होती हैं। तो रिदमिक एक्सरसाइजेज का मतलब है जो हम रिदम से चलते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो हम मतलब रिदम के साथ चलते हैं। और जैसे आपको पता है बाहर वाले कंट्रीज में रिदमिक एक्सरसाइजेज चलती हैं, एरोबिक्स, सॉन्ग लगा होता है, सॉन्ग के हिसाब से जो उसके म्यूजिक होता है उसके हिसाब से वो एक्सरसाइज करते हैं, वो ट्यूनिंग के हिसाब से रिदमिक वे से करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट है Which of the following disease are commonly not seen during disaster outbreak? तो जब disaster outbreak होता है, natural disaster बोल सकते हो, तो इसमें से कौन सा है जो disease नहीं होता है। तो इसमें से pneumonia जो है वो नहीं होता है, ठीक है, तो बाकी सारे disaster से हो सकते हैं। Next question है Any activity that uses muscle group can be maintained continuously and is rhythmic in nature? तो मैंने आपको बताया जो rhythmic है तो वो आएगा एरोबिक एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है। तो आपको पता है HIV तो सभी को पता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब किसी को प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्शन वगैरह मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम में तो वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो ये वर्ड ही गोनो बता रहा है, ठीक है, गोनो कोकल बता रहा है ये कि ये सेक्सुअली से मतलब रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, तो फिर हमारे पास बचा ए और डी, तो इसका आंसर जो है वो है डी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके आंसर्स तो कम हो जाते हैं ना वो पुश मतलब उसको करने के लिए, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट प्रिवेंटेबल वैक्सीनेशन। कौन सी डिजीज है जो प्रिवेंटेबल नहीं है वैक्सीन के थ्रू। तो जो हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, सी मतलब पूरी जिंदगी हमें इसको देखना पड़ता है, C SEE भी बोल सकते हो, मतलब याद रखने के लिए ट्रिक के लिए हेपेटाइटिस सी, सी जो है हमें पूरा मतलब पूरी जिंदगी देखना पड़ता है, ये ठीक नहीं होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एड्स डे, जो एड्स डे है वो कब मनाया जाता है। तो एड्स डे मनाया जाता है हमारा दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, तो इसका आंसर है बी।
नेक्स्ट मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज आर, जो मलेरिया प्रिवेंशन है और कंट्रोल एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है इनमें से। तो एपिडेमिक फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हम पहले से आइडिया लगा रहे हैं कि मतलब हमें प्रिवेंट करना है या फिर क्या करना है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं हम उस चीज़ की और कंट्रोल करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट इसके जो ऑप्शंस हैं वो है सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, तो वेक्टर कंट्रोल भी हम कर देते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है हमें, ठीक है। अर्ली डायग्नोस, अर्ली डायग्नोस करते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी मेट टू डायग्नोज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर, तो क्या क्राइटेरिया है जो नीड टू मेट, जो मतलब डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो क्या मतलब डायग्नोज, देखो हेपेटाइटिस सी जो है वो तो ठीक नहीं होती है, बट और भी है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, तो बाकी जो है वो हम ठीक कर भी सकते हैं। तो इन्होंने बोला कौन सा ऑप्शन है जो क्राइटेरिया है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन की रूट को मतलब चेक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। देन आर रिजर्वियर, रिजर्वियर को चेक कर सकते हैं, और रूट ऑफ एंट्री की जो इन्फेक्शन है वो आई कैसे है, ठीक है, फिर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज साइकोसोशल इशू, साइकोसोशल इशू, ठीक है, जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है साइको एंड सोशल, मतलब हमारे माइंड और जो हमारी सोशलाइजेशन, सोशल एनवायरनमेंट होता है उससे रिलेटेड है। टीन्स, जो टीनेजर के बच्चे होते हैं, डील्स विद ड्यूरिंग देयर एडोलसेंट ईयर, तो इन्होंने बोला है कि मतलब साइकोसोशल इशू बताने हैं हमने जो कि टीन्स या एडोलसेंस जो है वो मतलब फेस करते हैं। तो क्या क्या होता है वो फेस करते हैं कि मतलब उनको एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी, तो एडोलसेंस जो होता है उनको एक अपनी आइडेंटिटी मतलब बनानी होती है, ठीक है, और ऑटोनोमी, वो अपने पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, ठीक है, जैसा हम चाहें वैसा होगा। नेक्स्ट एस्टेब्लिशिंग इंटीमेसी, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मतलब इसका है, जो टीन्स हैं वो फेस करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम विच एडोलसेंस फेस, अब कौन सी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हमने वो बतानी है। तो ये प्रॉब्लम है कि उनको जो गुस्सा है वो बहुत जल्दी आता है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है, टिपिकली अग्रेशन, ठीक है, वो अग्रेशन दिखाते हैं, तो ये तो आएगा। देन लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है उनकी, मतलब जो एडजस्टमेंट है वो कम करते हैं एडोलसेंस की मतलब एज में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम नहीं है वो एडोलसेंस के टाइम हमें प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू सेक्स जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स फैमिली की नहीं है हमने वो बतानी है। तो फैमिली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है इंडिविजुअल की लाइफ में, बिल्कुल सही बात है, और जो फैमिली है वो मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है सोशलाइजेशन के लिए। तो हमें पता है कि सोशलाइजेशन हमारी सबसे पहले घर से ही स्टार्ट होती है, फैमिली से, तो ये भी बिल्कुल सही है। फैमिली इज़ अ ग्रुप थ्रू विच डिसेंट एंड एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड, एंसेस्ट्री मतलब जो भी हमारे पूर्वज वगैरह होते हैं तो वो हमें फैमिली से ही पता चलते हैं, पेरेंट्स से ही पता चलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बट फैमिली इज़ अ सोसाइटल कंसर्न, सोसाइटल कंसर्न का मतलब आ गया हम हैजर्ड्स बोल सकते हैं इनको, तो हैजर्ड्स एक नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर इसका जो है वो आएगा ए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट एडोलसेंट्स पर्टिकुलरली द वेरी यंग एंड दोज हु आर नॉट रिसीविंग पेरेंटल केयर, जिनको पेरेंटल केयर नहीं मिल रही है, आर लाइकली मोर लाइकली देन वुमेन इन देयर 20s। ओके, तो इसका, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट एडोलसेंट्स हैं, जो छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर जिनको पेरेंटल केयर नहीं मिलती है, तो उससे क्या होता है, वो कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, तो एनीमिया फेस करते हैं या फिर एनीमिया टॉक्सीमिया या फिर टॉक्सीमिया सिर्फ, तो इसका आंसर जो है वो है बी,
वो एनेमिया मतलब उनको ब्लड की भी कमी हो जाती है, और टॉक्सीमिया मतलब जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं इनफर्टिलिटी में, ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इनको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टीम पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स इज कंट्रोल्ड बाय, जो इंडियन टीम जो है वो जाती है ओलंपिक्स में उसको कौन कंट्रोल करता है? तो जो IOC है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, और जो IOA है ये इंडियन लेवल पे है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो इसका आंसर जो है वो है डी। नेक्स्ट है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 1896 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOA फॉर्म्ड इन द ईयर, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो कौन से ईयर में बनी थी? तो वो बनी थी 27 में, ठीक है। पहले ओलंपिक्स मतलब इंटरनेशनल बना, तो उसके बाद इंडिया वाले भी बार बार सताने लगे उनको कि भाई बनाओ बनाओ, बार बार सताते थे उनको, तो 27 में उन्होंने बना दी IOA, इंडिया वालों ने भी बना दी, ठीक है। इनको जब तक सताओ नहीं ना तब तक बनाते नहीं है, तो क्या करना फिर। फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन, तो ये कहाँ पे इंक्लूडेड है, ये जो लाइन है वो कहाँ लिखी गई है? वो यूनेस्को में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट रेट इज़ डिफाइंड एज, जो हर्ट रेट है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प, तो क्वांटिटी तो ब्लड पम्प की होती नहीं है, ये आएगा नहीं। नंबर ऑफ सिस्टोलिक और नंबर ऑफ डायस्टोलिक कंट्रैक्शन, तो ये हर्ट कंट्रैक्शन में दोनों आ जाते हैं, सिस्टोलिक भी आ जाता है और डायस्टोलिक भी आ जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो आएगा ए। नेक्स्ट 120 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, रिकेट्स इज एसोसिएटेड विद, जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो होती है हमारी बोन्स में, ठीक है, ये बच्चों को होती है कि बोन्स टूटने लगती हैं या फिर मतलब ख़राब होती हैं, ठीक है, तो एब्रेशन तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एब्रेशन तो रगड़ लगना होता है और वो ये स्किन में होता है, ठीक है, ये मतलब जो बोन है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट नॉकनीज, पिजन चेस्ट जो है वो, चेस्ट जो है हमारी वो एक पिजन की शेप में होती है, उसके फेस के शेप में, ठीक है, तो ये भी वो रिब केज की वजह से होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, और डिमा भी नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो है नॉकनीज। नॉकनीज में हमारी जो नीज हैं वो मतलब इकट्ठे हो जाती है, जुड़ जाती है जब हम ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो जो रिकेट्स है उसकी वजह से हमें नॉकनीज होती है, ठीक है, बोन जो है वो हमारी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टॉप ब्लीडिंग, जब हमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब हमें लग जाती है कहीं भी, इंजरी हो जाती है, तो क्विकेस्ट जो हमारा तरीका है वो क्या है, इफ़ेक्टिव वे क्या है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले है क्रायोथेरेपी से भी होता है, बट उस टाइम हम थेरेपी टाइम लग जाएगा हमें थेरेपी देने में, तो सबसे पहला जो काम है वो डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड है, अगर हम जहां हमें लगी है वहां पे हम प्रेशर देंगे उसको, मतलब पुश करेंगे किसी कपड़े से या फिर हम ऐसे कॉटन वगैरह हाथ से ही किसी चीज़ से करेंगे, तो ब्लड जो है वो बंद हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट डैश इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर होता है, तो वो होता है 60% ऑफ वाटर, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, तो मैं आपको बता दूँ, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट मसल जो होती है वो लेंथ में होती है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो है सार्टोरियस मसल, और जो लार्जेस्ट मसल है वो मतलब मास के हिसाब से है कि इसका कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो है हमारी लार्जेस्ट मसल, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इन मसल फाइबर्स द प्रोटीन्स प्रेजेंट इज, जो मसल फाइबर्स होती है उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो आपको पता है जब हमारी मसल कंट्रैक्ट करती है मायोफिब्रिल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिनकी इन दोनों की वजह से ही कंट्रैक्शन होती है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल डैश टाइप ऑफ एनर्जी यूज, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपने मोशन, जो वो मोशन में है उसके हिसाब से उसमें एनर्जी आ रही है और वो मोमेंटम में है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है 126, डिप्रेशन
इज करेक्टराइज्ड बाय मोर एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ होपलेस। जब डिप्रेशन होती है तो हमें फीलिंग आती है होपलेस की, आइसोलेशन की, सैडनेस, वरी, विदड्रॉल, ठीक है। तो इन्होंने बोला दैट इट लास्ट फ्रॉम, तो वो लास्ट कितनी देर तक मतलब चलता है डिप्रेशन, तो 2 डेज, ये तो बहुत कम है, ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है 1 वीक एंड मोर, तो 1 वीक भी बहुत कम है। देन 1 मंथ, यहाँ पे पर्टिकुलर 1 मंथ की बात की गई है, और यहाँ पे 2 वीक्स और मोर, 2 वीक्स और मोर, मोर कितना भी ज़्यादा, साल भी लग सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता है डिप्रेशन बहुत टाइम लगाता है ठीक होने में, तो इसका आंसर जो है वो आएगा ए। नेक्स्ट, बेटर असेस टू डैश एंड सर्विसेज कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकमिंग प्रेगनेंट। तो क्या चीज़ है जो रिड्यूस कर सकती है कि गर्ल्स जो है वो प्रेगनेंट कम हो एंड गिविंग बर्थ एट टू यंग एज, मतलब कम एज में मतलब वो प्रेगनेंट ना हो। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी, कंट्रास्पिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि उनको सही गाइडेंस देनी बर्थ कंट्रोल के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। नेक्स्ट है, पेरेंट्स कैन प्रिवेंट दियर चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग ड्रग। पेरेंट्स जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को कि वो ड्रग ना लें। तो क्या मेथड है, टॉक टू देम अबाउट ड्रग्स, उनके मतलब बात करने के, उनको बताएंगे कि ये नुकसान होते हैं ड्रग्स के, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन, अच्छे से उनसे बात करें, कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में अच्छी हो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो उससे भी वो ड्रग यूज़ नहीं करेंगे। रोल मॉडलिंग, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के हीरो होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन एक्वायर स्किल एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ दियर लाइफ। जो चिल्ड्रन हैं वो स्किल गेम एक्वायर कर लेते हैं बड़ी जल्दी, किसकी वजह से, इफ़ अगर पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिव होंगे और अंडरस्टैंडिंग होंगे। क्योंकि जो हमारी सबसे पहले सोशलाइजेशन होती है या फिर जो भी हम लर्न करते हैं वो हम पेरेंट्स के थ्रू करते हैं, तो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या खेलना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, बी। नेक्स्ट है, परमिसिव पेरेंटिंग इज अ परमिसिव पेरेंटिंग इज अ पेरेंटिंग स्टाइल इन विच अ चाइल्ड्स फ्रीडम एंड दियर ऑटोनॉमी आर वैल्यूड। मतलब जो चाइल्ड्स की फ्रीडम है और ऑटोनॉमी है उनको वैल्यू किया जाता है, और पेरेंट्स टेंड टू रिलाई, मतलब वो पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो रीज़न एंड एक्सप्लेन, मतलब आपको पता होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मा ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चनिंग पूछते रहते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनका काम है कि रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन दें उनको कि ये चीज़ क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्टेंटली इवॉल्व्स, बट वट कंट्रीब्यूट्स विदाउट चेंज इज द फैक्ट दैट पेरेंट्स आर द चाइल्ड्स। तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो रोल है पेरेंट्स का इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जब छोटे बच्चे डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है उसमें, पेरेंट्स क्या रोल किरदार जो है वो निभाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स या फिर लर्निंग मॉडल्स, फर्स्ट टीचर्स और लिसनर्स। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, लर्निंग मॉडल्स, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी को अच्छा काम करते देखें तो ही हम उनको देख के वो काम करते हैं। बट अगर हमें कोई बोलता रहे भाई ऐसे ये काम करो खुद, अब कोई सपोज करो कि खुद कोई पेरेंट्स को गालियां देता है लेकिन वो बच्चों को बोल रहा है भाई पेरेंट्स भगवान के समान होते हैं, उनको मतलब अच्छे से करना होता है, सेवा करनी होती है, बट वो नहीं मानेंगे। अगर वो करके देखेंगे रोल मॉडल, फिर उनको वो मानेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पेरेंटल केयर अमंग वूमेन। तो कौन सा नहीं है पेरेंटल केयर एस्पेक्ट, ठीक है, तो इससे मतलब क्या होता है, जब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पेरेंटल केयर का, उससे क्या होता है,
पेरेंटल केयर से, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, बिल्कुल सही। इट रिड्यूसेस द फ्यूटस, फ्यूटस भी यही बोलते हैं जब बच्चा पेट में होता है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो इन्होंने बोला तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, तो बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स टू एंश्योर द मेडिकेशंस वुमेन टेक आर सेफ, मतलब जो वुमेन्स मेडिसिन ले रही है उनको पता चल जाएगा, वो हेल्प करेगा कि बताने में कि ये सेफ है या नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर बचा इट कीप्स वुमेन मोटिवेटेड, तो ये इसका नहीं है, ठीक है। इन्होंने नॉट वाला पूछा है, तो आंसर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो कौन सी इसमें से टाइप्स है फैमिलीज की, तो न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल और एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, तो दोनों जो हैं वो टाइप्स हैं फैमिलीज की। नेक्स्ट है फैमिली इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो फैमिली है वो एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें हस्बैंड होते हैं, वाइफ होता है और बच्चे होते हैं, तो ये किसने डिफाइन किया था, तो ये डिफाइन किया था एलियट एंड मेरिल ने, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ये काफ़ी पूछते हैं पेपर में, कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे ये किसने दिया, ठीक है, तो ये देख लेना। डैश इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ जॉइंट्स, तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, तो ये याद रख लेना कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। द लॉन्च ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो कब लॉन्च किया गया था, वो किया गया था 1991 से 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिक्स्थ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो जो सिक्सटीन्थ कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जीते थे, तो वो थी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स आए थे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के लिए कौन सी मोटिवेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन तो है क्योंकि बाहर से हम बच्चों को बोलते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हाँ आप कर लोगे, तो वो एक्सट्रिंक मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट अचीवमेंट मोटिवेशन, तो बच्चे सोचते हैं कि हम अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो हम उसको अचीव करें, तो ये भी होती है, तो कौन सी नहीं होती है, वो है इंस्टिंक्ट, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन जो है वो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चों में इंस्टिंक्ट मोटिवेशन नहीं होती, ये बड़ों में होती है कि उनको अंदर से मोटिवेट होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो ये बच्चों में नहीं होता है। नेक्स्ट है इन स्पोर्ट्स पर्सन द काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का क्या काज होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो नेचुरल आउटकम ऑफ कम्पिटिटिव, अगर नेचुरल आउटकम है तो हमें इतना गुस्सा नहीं आएगा, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। रिजल्ट ऑफ ओन परफॉर्मेंस, अपनी ही परफॉर्मेंस के रिजल्ट से, ठीक है। नॉर्मली ड्यू टू मिस मैच लेवल, अब देखो मिस मैच ये वर्ड जो है वो इसका आंसर बता देता है कि फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई, जैसा हमने सोचा था, जैसी हमारी एबिलिटी है वैसा नहीं हुआ, मिस मैच हो गया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस बाय, जो बिहेवियर है एक एडोलसेंस का वो कैसे चेंज होता है, सोसाइटी से, पीयर ग्रुप से, नहीं, जो एडोलसेंस है वो फ्रेंड्स के साथ ही चेंज होते हैं, तो इसका आंसर आएगा पीयर ग्रुप्स, ठीक है, फ्रेंड्स को देख के इनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, फिजिकल एजुकेशन करिकुलम को सबसे ज़्यादा क्या डिफाइन करता है इनमें से, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी, डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी, डिवीज़न तो नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। पुटिंग एजुकेशनल फिलोसफी इंटू एक्शन, तो कोई भी जो हमने फिलोसफी पढ़ी है जब हम उसको एक्शन में लाते हैं तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मोड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट टू फैसिलिटेट, जिसने जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फिजिकल एजुकेशन स्कूल में, तो सबसे पहले किया था नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने, ठीक है, कॉर्प्स आए थे, उन्होंने बोला कि फिजिकल एजुकेशन होगा ही होगा स्कूल्स में, तो इसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपेगेट द काज ऑफ इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन,
तो कौन सा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने मतलब प्रोपेगेट किया था कि जो इंडिजीनियस फिजिकल एजुकेशन है वो होनी चाहिए, इंडिया की फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए? तो वो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किया था। तो याद रखना, हनुमान जी आए थे बोलने कि जो इंडिया की गेम्स हैं मतलब फिजिकल एजुकेशन है उसको भी अपनी जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एटीपी, जो एटीपी की स्टोरेज है वो कहाँ होती है, एटीपी कहाँ स्टोर होता है? तो याद रखना एटीपी एक एनर्जी है, तो एनर्जी हम मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो भी मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, हमारी मसल कंट्रैक्शन होती है तो हम मूवमेंट करते हैं, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी कहाँ होती है, मसल्स में स्टोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द फैमिली इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल सेट ऑफ इंडिविजुअल, जो फैमिली है वो सिर्फ एक सेट नहीं है इंडिविजुअल का, एंगेजिंग इन देयर एक्टिविटी इट इज़ अ, वो क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्मेशन, जो सोशल फॉर्मेशन है, सोशलाइजेशन है वो फैमिली करती है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें से कौन सा पर्सनैलिटी की डायमेंशन नहीं है? तो आप डायमेंशन पढ़ोगे, टोटल 8 डायमेंशंस हैं पर्सनैलिटी की, ठीक है, तो उसमें से साइकोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, सोशल डोमेन है, मेंटल है, फिजिकल है, जो साइकोलॉजिकल है वो नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल और मेंटल है बट साइकोलॉजिकल नहीं है, तो ये आप देख लेना इसके जो डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मीन्स कंटिन्यूसली कोई स्किल करते जाना, तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी कौन सी नहीं है इसमें से, तो इसमें से जो मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है वो है मोटिव, ठीक है, मोटिव थ्योरी जो है वो, ये कोई थ्योरी नहीं है मोटिव थ्योरी, बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए नाम दे दिया, मोटिवेशन है तो इन्होंने मोटिव थ्योरी दे दिया, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ डैश कम्बिनेशन, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो किसका रिजल्ट है, तो वो है नेचर एंड नर्चर, मतलब आपको कैसे बड़ा किया गया है, अगर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो उस फैमिली का नेचर कैसा है और आपको उन्होंने कैसे नर्चर किया है, कैसे उन्होंने आपको बड़ा किया है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मैच लिस्ट मैच द फॉलोइंग है, तो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, तो एटीट्यूड जो है वो हमारा थॉट से रिलेट करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, तो बी का आएगा वन, बी का वन, बाकी सारे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर जो है वो आएगा डी। तो हमारी तीसरी वीडियो भी ख़त्म हो गई है, कल हमारी इसकी लास्ट वीडियो आ जाएगी जो कि 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस पेपर के, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।